तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम इन कॉन्टेक्ट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम, मतलब क्रिटिकल एंगल, तो उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है। तो आसान सवाल है, अगर एक मीडियम है जो कि डेंसरर मीडियम है नीचे, ठीक है, दिस मीडियम इज अ डेंसरर मीडियम, तो अगर लाइट रे इस डेंसरर म्यू वन से म्यू टू में जाती हुई है तभी टी आई आर होगा, क्रिटिकल एंगल बनता है। हमेशा डेंसरर से रेयरर में जाना मैंडेटरी कंडीशन है, ठीक ना। तो अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होता है और जब ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा सी क्रिटिकल एंगल है और पेयर फॉर द मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो जब क्रिटिकल एंगल होता है तो लाइट रे इस इंटरफेस से जो लाइन अलग करती उससे गुजर जाती, ऐसे पास हो जाती है। तो ये एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस वक्त 90 डिग्री होता है। तो यही एंगल पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री होगा जब एक क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। अगर ये 90 नहीं होगा, कुछ कम होगा, ठीक है, या 90 से ज़्यादा होगा, तो कम होगा तो उस वक्त रिफ्रैक्शन होगी, कम होगा तो ये लाइट रे इधर से जा रही है और ऐसे हो गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया। तो अगर कम हो गया तो क्या हो रहा भाई, रिफ्रैक्शन हो रहा, और अगर ये ज़्यादा हो गया 90 से अधिक ज़्यादा तो टी आई आर हो गया, तब ये एंगल रे ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी। बात समझ में आ रहा है, तो अलग अलग आप सिचुएशन में समझ सकते हो। तो एग्जैक्ट 90 पे क्रिटिकल एंगल होता है।